शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हाय रे, ए गणेश, आइला, ये स्कर्ट आधा मीटर भी नहीं होगा रे। नहीं रिपोर्टिया, आधा मीटर तो जरूर होगा। क्या बात कर रहा है, 50 रुपए की लगी? चल लगी। बुरा नहीं मानना, मेरे को तुम्हारी स्कर्ट का माप लेना ही होगा। इसकी कोई जरूरत नहीं। अरे चल निकल। अरे क्यों बे, हीरो बनते हो? राह चलती हुई लड़कियों के स्कर्टों के नाप लेते हो? मैं तुम दोनों को कानून का नाप बताता हूँ। पकड़ो इसे, ले चलो इन्हें थाने। अच्छा हुआ। चल बे चल। ए, रुक जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? अजय। कहाँ जा रहे हो? अपने घर। घर कहाँ है तुम्हारा? जवाहरनगर। जवाहरनगर? जवाहरनगर तो मेरा ही इलाका है, इससे पहले तो तुम्हें कभी नहीं देखा यहाँ। जी मैं 4 साल बाद घर जा रहा हूँ। क्यों, 4 साल कहाँ थे? मैं जेल में था। क्या, मुझे सुनाई नहीं दिया? क्या बोले तुम? मैंने कहा ना, मैं जेल में था। किस जुर्म में अंदर गए थे? क्या पूछ रहा हूँ मैं, किस जुर्म में अंदर गए थे तुम? रेप केस में। अच्छा, बलात्कार। बहुत बड़ा काम किया है तुमने। मुझे मुजरिमों से सख्त नफरत है, खास तौर पर मासूम लड़कियों की इज्जत लूटने वालों से। मेरे इलाके में रहते हो इसलिए एक सलाह दे रहा हूं, मुझसे बच के रहना। फिर दोबारा किसी केस में पकड़े गए तो ये तुम्हारे हाथ पांव है ना, तोड़ के रख दूंगा। जाओ। सुना नहीं, जाओ यहां से। साल बाद बेटा घर लौटा है और आप? देश के लिए कोई जंग जीत के नहीं आए जो मैं इसका स्वागत करूं। इसने मेरा, तुम्हारा, अपनी बहन का, सबका मुंह काला कर दिया है। देख, देख इसे, तेरे कारण इसका घर से बाहर निकलना बंद हो गया है। लोग ताने मारते हैं इसको, जुमले कसते हैं इस पर। जा, चला जा यहां से। बड़ी मुश्किल से हमारे जख्म भरे हैं, उन्हें मत कुरे, मत कुरे दुने। जा। ए भाई, चलना साइड में खड़ा हो। पता नहीं दिन में भी क्या क्या सपने देखते रहते हैं। भाई तुम? अरे क्या चाहिए? जी यहाँ मेरे, मेरा मतलब है चौहान साहब रहते थे। कौन चौहान साहब? जी वो। वो? अच्छा, कहीं तुम उस स्कूल मास्टर की बात तो नहीं कर रहे हो? जी हाँ जी हाँ, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। कहाँ है वो? उन्हें मरे हुए तो 4 साल हो गए। यही यही तो गले में रस्सी डालकर झूल गए थे वो। उनकी पत्नी और बेटी? उन बेचारों के साथ तो बहुत बुरा सलूक किया इन लोगों ने। घर का भाड़ा कहाँ से चुकाते? घर से निकाल दिया मकान मालिक ने। 8-10 दिन तो यहीं पड़े रहे बेचारे सड़क के किनारे। और फिर एक दिन
किसी शराबी ने उस लड़की की इज्जत पर हाथ डाला। उसके बाद वो दोनों माँ बेटी पता नहीं कहाँ चले गए। पर तुमने तो ये बताया नहीं कि तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो। मैं चौहान साहब का बेटा हूँ। अच्छा अच्छा, तुम ही हो वो जिसकी वजह से सारा परिवार तिनके की तरह बिखर गया। अरे इतनी ही प्यास लगी थी तो किसी बाजार में जाके बुझा लेता। मासूम लड़कियों की इज्जत पर हाथ डालने की क्या जरूरत थी। चल दफा हो जा यहाँ से। नीलू देखो बेटा, तुम्हारे डैडी तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। कब तुम अपनी गहरी नींद से जागोगी बेटा? कब तुम अपने डैडी से बात करोगी? तुम्हारा मुजरिम सजा काटकर बाहर आ चुका है बेटी, लेकिन जो सजा उसने काटी है वो बहुत कम है। मैं तुमसे वादा करता हूं कि जब तक वो इस धरती पर है मैं हर पल उसके किए की सजा उसे देता रहूंगा। लेकिन उसे ढूंढना आसान नहीं होगा सर। ऐसी झोपड़पट्टी में मुजरिम को दिन में ढूंढना नामुमकिन होता है। रात को कहां से ढूंढेंगे? मेरे ख्याल से हम लोग यहां से निकल पड़े। आखिर गया कहां? सर, एक कुत्ते पुलिस वालों को देख के क्यों भौंकते हैं? सामने खड़ा है ना, उसी से क्यों नहीं पूछ लेते? अच्छा चलो चलो। मारना नहीं चाहता था, लेकिन पुलिस मेरे पीछे लगी हुई थी।
मां मुझे गलत मत समझना, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तब भी बेकसूर था और अब भी बेकसूर हूं। मां मैं तेरी कसम खाता हूं, मां मैंने कुछ नहीं किया। मैं जानती हूं बेटा, मेरा खून इतना गंदा हो ही नहीं सकता। मां मैं तो उस दिन इंटरव्यू के बाद मंदिर गया था देवी माँ के दर्शन करने, बस वही। बस बस बेटा, मैं सब जानती हूँ, कुछ कहने की जरूरत नहीं। तू मंदिर गया था देवी की पूजा करने के लिए और देवी माँ ने तुझे चुन लिया उन लोगों को सजा देने के लिए जो औरत को औरत नहीं समझते, उस पर जुल्म करते हैं, अत्याचार करते हैं, उसका बलात्कार करते हैं। तेरे पिताजी लोगों के ताने बर्दाश्त नहीं कर सके और करने भी कैसे, जो बेटा उनकी जान था, जिस पर उन्हें गर्व था, उसी के बारे में लोग इतनी गंदी और गिरी हुई बातें करें। उन्होंने जान दे दी। तू जानता है मैं क्यों जी रही हूं? एक दिन तू लौट कर घर आएगा और उन शैतानों को सजा देगा जो हमारी बर्बादी के जिम्मेदार हैं। अपने बाप के नाम माँ की कोख पर और खुद अपने माथे पे लगे कलम को धोएगा। मैं तुझसे वादा करता हूँ माँ, हमारी बर्बादी के जिम्मेदार दुनिया के किसी भी कोने में छुपे हो, मैं उन्हें ढूंढ कर सजा दूंगा। इस दुनिया और समाज के सामने अपने आप को बेगुनाह साबित करूंगा मैं। अच्छा, मैं आज के बाद तेरा मुंह उस दिन देखूंगी जिस दिन। बस माँ,